संतों के हितों में लगातार काम कर रहे संत सुरक्षा मिशन के द्वारा मध्य प्रदेश में भी अपनी कार्यकारिणी गठित की गई, जिसके चलते स्वामी राजेंद्र जी महाराज की अनुशंसा पर शहर के युवा पत्रकार अंकित श्रीवास्तव को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया, जिसके चलते उन्हें सभी मित्रों व संत समाज के लोगों ने बधाइयां दी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये फैसला किया है श्री अंकित श्रीवास्तव जी को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि श्री अंकित श्रीवास्तव जी अपने पद की गरिमा को निभाएंगे और बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश में अपनी कार्यकारिणी को गठित करेंगे। हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से श्री अंकित श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। संत सुरक्षा मिशन का श्री राघवेंद्र देव जी महाराज द्वारा मुझे प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके लिए मैं श्री राजेंद्र जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा। साथ ही इसी के चलते आज हमने मध्य प्रदेश में दो नियुक्तियां की है, जिसमें विकास कुमार खरे को प्रदेश महासचिव युवा मोर्चा का नियुक्त किया गया है, अमित जौहरी जी को संभागीय संगठन प्रभारी बनाया गया है। इन दोनों ही साथियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और संत सुरक्षा मिशन संतों की सुरक्षा के लिए हिंदुत्व के जागरण के लिए कार्य करता है। आने वाले समय में हिंदू जागरण मिशन चलाया जाएगा, गौहत्या रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।